चतुष्टितम् अध्यासो नाम इति
तो ध्यास के लक्षण के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने शांकर मतानुसार अद्वैत संप्रदाय के अनुसार अध्यास की एक परिभाषा की, स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः। इसकी व्याख्या में हमने चर्चा की कि वेदांत में स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दो प्रकार के अध्यास स्वीकार किए जाते हैं। जहां तक अध्यास का एक सामान्य लक्षण है वो तो है परत्र अवभासः, लेकिन वेदांत का जो विशेष लक्षण है जिसके द्वारा अध्यास उपपन्न होता है, जिसके द्वारा अध्यास सिद्ध होता है, वो है पूर्वदृष्ट। और अध्यास का अध्यस्त का स्वरूप क्या है, बोले स्मृति रूपः। तो स्मृति रूपः से अध्यस्त का स्वरूप बताया गया, पूर्वदृष्ट से अध्यास होता कैसे है उसकी उपपत्ति की गई। स्वरूपाध्यास में ये कहा गया कि जो अध्यस्त वस्तु है वो स्वरूप से ही अध्यस्त है, स्वरूप से ही अनिर्वचनीय है, अध्यस्त है, सत्य नहीं है। और उस स्वरूप से ही अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान के साथ जो संबंध प्रतीत होता है, जो तादात्म्य प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं हम संसर्गाध्यास। इसको आप ऐसे समझो कि चेतन अधिष्ठान में चिदात्मा अधिष्ठान में जो अहंकार है, जो अस्मिता है, जिसको आप चिदाभास भी कभी कभी बोलते हो, तो यह जो अहंकार है ये क्या है? चिदात्म अधिष्ठान में जो अहंकार है वह स्वरूप से ही अध्यस्त है, स्वरूपाध्यास है। तो अहंकार का स्वरूपाध्यास है और उस स्वरूप से ही अध्यस्त अहंकार का चेतन से जो संबंध है, चेतन के साथ जो तादात्म्य है, वो संसर्गाध्यास है। ये दृग्दृश्य विवेक में आपने पढ़ा था कि एक तो अहंकार की उत्पत्ति हुई और फिर उस अहंकार से साक्षी का तादात्म्य हुआ, ये दो चीज पढ़ी थी आपने। तो ऐसा नहीं है केवल कि अहंकार का साक्षी से तादात्म्य हो गया है और उस तादात्म्य का विच्छेद करना है, बल्कि ये भी समझना है कि यह अहंकार मिथ्या है, यह अहंकार भी स्वयं क्या है, अध्यस्त वस्तु है, अहंकार भी स्वयं अनिर्वचनीय रूप से असत है। ये इसका दृष्टांत है। अभी तो हम लोग चर्चा जो कर रहे थे वो बार बार दृष्टांत को आधार बना के कह रहे थे। तो
इस तरह से। अभी प्रातः काल कह रहे थे कि प्रकृति का चैतन्य, प्रकृति और प्रपंच कह लो, पूरे प्रपंच का चैतन्य स्वरूपाध्यास है, और फिर उस प्रपंच का चेतन के साथ जो तादात्म्य है वह संसर्गाध्यास है। तो संसर्गाध्यास तो निषिद्ध होना ही चाहिए, स्वरूपाध्यास भी मिटना चाहिए, और एतद अनुसार प्रपंच का पुरुष से न केवल पार्थक्य बल्कि प्रपंच का मिथ्यात्व, ये दोनों घटनाएं घटनी चाहिए, ये वेदांत का अभिमत है। प्रपंच का यदि मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता, नहीं घटता, तो ब्रह्म की अद्वितीयता सिद्ध नहीं होती। अगर प्रपंच सत्य है, नानात्व सत्य है, प्रकृति सत्य है, तो फिर ब्रह्म की जो अद्वितीयता वेदों में कही गई है वो सिद्ध नहीं होती। और यदि ब्रह्म की अद्वितीयता सिद्ध नहीं है तो वह निरतिश है, अपरिच्छिन्न है, यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वस्तु परिच्छेद तो दो होने पर ही वस्तु परिच्छेद हो जाता है, और नाना होने पर तो फिर कहना ही क्या है, है? और वस्तु परिच्छेद होते ही बाकी के जो दो परिच्छेद हैं वो स्वतः प्रकट हो जाते हैं, तो तीनों परिच्छेद लागू हो जाता है ब्रह्म के ऊपर। काल परिच्छेद भी, देश परिच्छेद भी, और वस्तु परिच्छेद भी। इसलिए वेदांत का अभिमत यह है कि संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास दोनों का ही बाद होना आवश्यक है। और अगर किसी ने समझा ही ना हो कि स्वरूपाध्यास हुआ है तो बाद क्या करेगा, वो तो फिर केवल संसर्गाध्यास को हटाएगा। तो ये हमारा मत हो गया। अब आइए, अच्छा इस सृष्टि से, इस रीति से दृष्टांत पे थोड़ा देख लें आप। दृष्टांत था हमारा रजत और सुप्तिका का। रजत और सुप्तिका के दृष्टांत में तीन चीजें हो गई, एक तो रजत, एक हुआ रजत का ज्ञान, और एक हुआ रजत का सुप्तिका के साथ संसर्ग, नहीं, एक हुआ रजत माने जो दिखने वाला रजत है, एक तो रजत हुआ, दूसरा रजत ज्ञान हुआ, तीसरा रजत ज्ञान का अथवा रजत का सुप्तिका से संसर्ग। वेदांत के मत में स्वरूपाध्यास से युक्त रजत और उसका ज्ञान, उस अध्यस्त का ज्ञान और उस अध्यस्त का सुप्तिका के साथ संबंध, ये तीनों ही मिथ्या हैं। रजत, रजत ज्ञान और संसर्ग तीनों मिथ्या हैं। तो एक अध्यास में तीन टुकड़े कर लेना, तीन बातें हैं इसमें, है ना, एक बात नहीं है। इसका इंप्लीकेशन अभी आएगा जैसे जैसे हम ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे। इतनी बात पहले याद रखें, फिर आइए अब किस पर, अन्य
दर्शनों की परिभाषाओं पर। कहते हैं तम के चित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। तम के चित में यहां पर आप अपनी सुविधा के लिए चाहे तो लिख लें, इसमें क्षणिक विज्ञानवादी और न्याय और वैशेषिक, ये तीन दर्शनों का अध्यास के विषय में यही मत है। क्या बोलते हैं, अन्यत्र ये अधिष्ठान हुआ, अन्यत्र ये हो गया अधिष्ठान, अन्य धर्म ये क्या हुआ अध्यास, है ना। तो अधिष्ठान हुआ अन्यत्र और अन्य धर्म हुआ अध्यास या अध्यस्त, जो बोलना चाहो बोलो। अवभाषा, तो अन्य अधिष्ठान में किसी और वस्तु के धर्मों का दिखना मालूम पड़ना यह अध्यास है। किसी अधिष्ठान में उससे अलग किसी और वस्तु के धर्मों का दिखना ये क्या है, ये बोले ये अध्यास है। बोले हमसे अलग कैसे हो गया, ये अलग हो गया। देखो इसमें सबसे पहले हम क्षणिक विज्ञान को देख लेते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है आत्मख्याति। उनके यहां अधिष्ठान क्या है, तो बोले आत्मा। और तो कोई है नहीं। आंतर देश में जो विज्ञान धारा है क्षण क्षण प्रवहमान प्रवाही चेतन धारा है, विज्ञान धारा है, उसमें क्या दिखा, तो बोले उसमें रजत इत्यादि की भ्रांति होती है। अब रजत और सुक्ति का, रजत और सीप का दृष्टांत लेके चलते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी के दर्शन के अनुसार क्या बनेगा कि जो सीप है बाह्य देश में, जो सीप प्रतीत होती है वस्तुतः वो आत्मा का ही परिणाम है, क्षणिक विज्ञान का ही परिणाम है। तो सीप भी जो है वो आत्मा का परिणाम है, विज्ञान का परिणाम है। उसमें असत बाह्य में, ध्यान रखना कहां पर, असत बाह्य में, बाहर तो असत है लेकिन आत्मा के परिणाम के रूप में बाहर सीप भासित होती है। उस सीप में क्या हुआ, रजत का अवभास हो गया। तो अन्य में अन्य का अवभास हुआ, अन्य में अन्य का अवभास हुआ, सीप में रजत का अवभास हुआ, रजत के धर्मों का अवभास हुआ। लेकिन इसमें सीप और रजत दोनों ही आंतर रूप से सत्य है, माने आत्मा का जो भीतर रजत संस्कार पड़ा हुआ है ना, अपने भीतर आलय विज्ञान में जो रजत संबंधी संस्कार है वो तो है, और जो सीप संबंधी संस्कार है वो भी अंतर में है। तो सीप परिणाम पर किसी और विज्ञान के धर्म का अवभास होने लगा, और विज्ञान माने रजत विज्ञान के धर्म का अवभास हो गया। तो निषेध किसका होता है, बाध किसका हुआ, रजत
के धर्म का बांध हो गया, लेकिन रजत संस्कार का बांध नहीं हुआ। वो कहते हैं भीतर आलय विज्ञान में रजत संबंधी संस्कार सुरक्षित हैं, सीप संबंधी संस्कार भी सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं होगा कि आगे फिर विज्ञान को रजत का परिणाम नहीं प्राप्त होगा, चांदी बनेगी, सोना बनेगा, सीप भी बनेगा, मिलता है ना। हाँ, उस विशेष प्रकरण में जहां पे रजत धर्म का गलत जगह अवभास हो गया था, वहां पे केवल उस रजत धर्म का बाध हो गया, लेकिन रजत का बाध नहीं होता, क्योंकि दोनों ही आत्मा है। सीप भी आत्मा का ही परिणाम है और रजत भी आत्मा का ही परिणाम है। तो गलती केवल इतनी हो रही है कि अन्यत्र अन्य धर्म अवभाषा, इसमें किसी वस्तु का बाध नहीं हुआ, कोई वस्तु नष्ट नहीं हुई, न रजत नष्ट हुई न सीप नष्ट हुआ, केवल अन्य में अन्य का जो एक अवभास हो गया था वो हट गया। अब सीप विज्ञान में सीप का भास होगा, रजत विज्ञान में रजत का भास होगा, बस। माने विज्ञान मानो जटिल हो गया, दो विज्ञान है, रजत विज्ञान और सीप विज्ञान, वो आपस में लड़ गए समझो। इस लड़ाई को विवेक ने क्या किया, हटा दिया, बस छुड़ा दिया लड़ाई को। दोनों पहलवान जिंदा हैं, बस इतना ही है फर्क। देखा ना आपने यहां वेदांत में क्या है, रजत, रजत ज्ञान और रजत संसर्ग, तीनों मिथ्या। यहां कहते हैं ना 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 ना, रजत विज्ञान सीप विज्ञान दोनों हैं, दोनों आत्मा के परिणाम हैं। अध्यास केवल यह है कि सीप विज्ञान के ऊपर रजत विज्ञान का भास होने लग गया, हमने उसको हटा दिया। अन्यत्र अन्य धर्मावभास दस, अन्यत्र अन्य धर्मावभास, इसमें किसी की हानि नहीं होती है, केवल थोड़ी जो दो लड़ियां मिल गई थी उनको हमने अलग अलग कर दिया, बस। दोनों ही आंतर जगत में सत है, दोनों ही चेतन के परिमाण परिणाम है, दोनों की स्थिति वस्तुतः अंतर में है, बाहर नहीं है। इसलिए वो तो जब ठीक ठीक बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं असत बाह्य में जो भासमान सीप है, ऐसे एकदम कानूनी भाषा में असत बाह्य में जो भासमान सीप है उसके ऊपर रजत विज्ञान के धर्मों का अवभास हो जाना अध्यास है। तो ये तो बाह्यार्थ शून्यवादी हैं, ये इनको हमारे सुविधा के लिए क्या कहा जाता है, बाह्यार्थ शून्यवादी, बाहर कुछ है नहीं, शून्यवादी हैं, बाह्यार्थ शून्यवादी। तो नारायण की दया से यहां पर सब कुछ अंतर में है, इसलिए इनको कहा जाता है आत्मख्याति। इनका जो दृष्टांत है वो स्वप्न का दृष्टांत है, और वेदांत के विचार कई बार मिलते से लगते हैं, इसलिए वेदांत को भी प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। जब आप दक्षिणामूर्ति में बोलते हो
पश्यन्नात्मनि माया बहिः इव उद्भूतम् यथा निद्रया। तो हमारे वेदांत के जो और आचार्य लोग हैं वो एकदम कहते हैं कि देखो तुम तो प्रच्छन्न बौद्ध हो, जो क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं वही तुम भी कहते हो, वो कहते हैं बाह्य असत है, तुम भी कहते हो बाह्य असत है। वो कहते हैं जैसे विज्ञान ही स्वप्न प्रपंच में परिणमित होकर के नाना रूपों में दिखता है, वैसे ही तुम भी, दृष्टांत ही तुम्हारा वही है यथा निद्रया। मांडुक्य आदि उपनिषद में, मांडुक्य आदि कारिका और भाष्य में तुमने तो इसका बड़ा पोषण किया है। और आंतर विज्ञान को ही मानते हो, तुम्हारा शब्द है पश्यन आत्मनि। तो इस तरह से प्रच्छन्न बौद्ध की हमें भी उपाधि मिल जाती है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि हम आंतर जगत में सीप या रजत या किसी भी नानात्व को चेतन का परिणाम नहीं मानते हैं, हाँ जी, बल्कि पूर्व पूर्व के संस्कारों का पश्चात पश्चात के अध्यास के लिए हेतु मानते हैं। आप इसको लिख लेना, पूर्व पूर्व के जो संस्कार हैं वो पश्चात पश्चात के अध्यास के लिए हेतु का काम करते हैं। हमारे यहां जो आंतर विज्ञान है वो स्मृति रूप है, स्मृति रूप है। और उनके यहां जो आंतर विज्ञान है माने भीतर में जो नानात्व है वो क्या है, विज्ञान का परिणाम रूप है। बहुत फर्क हो गया, वहां परिणमित होता है विज्ञान और हमारे यहां पूर्व पूर्व का जो पूर्व दृष्ट का संस्कार है, पूर्व पूर्व के संस्कार आगे आगे के स्मृति के लिए हेतु बनते जाते हैं। दृष्टांत बोल दें, जैसे पूर्व पूर्व का बीज उत्तर उत्तर के अंकुर के लिए हेतु बनता है, आज का बीज कल के अंकुर के लिए हेतु बनेगा और कल वाले अंकुर में जो बीज आएगा वो परसों के अंकुर का हेतु बनेगा। वैसे ही एक अनादि प्रवाह परंपरा चली हुई है, संस्कार और स्मृति, संस्कार और स्मृति की ये अनादि परंपरा प्रवाहमान है। ये बहुत बड़ा अंतर है क्षणिक विज्ञानवाद में और अद्वैत संप्रदाय में। लेकिन लोगों को जल्दी होती है और वो उपाधि देने का शौक रखते हैं, तो एकदम प्रच्छन्न बौद्ध का हमें तगमा दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या कहना है। तो ये आत्मख्याति हो गई। अब आइए इसी परिभाषा के अनुसार न्याय दर्शन भी अपनी बात कहता है। न्याय दर्शन पहले तो आत्मख्याति का खंडन करता है, उस खंडन से हमें कुछ खास लेना नहीं है। वो केवल इतना कहते हैं कि देखो रजत और सीप आदि आंतर विज्ञान के रूप में कभी अनुभव में नहीं आते। आंतर विज्ञान के रूप में अनुभव में आने वाली चीज सुख है, दुख है, श्रद्धा है, संदेह है ना, ये तो आंतर विज्ञान के रूप में अनुभव में आता है। लेकिन रजत सीप और मकान और घोड़े और रज्जू और सांप ये सब आंतर विज्ञान के रूप में अनुभव में नहीं आते। तो इस तरह से करके करके खंडन करते हैं। अच्छा भाई चलो खंडन हो गया या नहीं हुआ वो आपस में करते रहे।
आप कहना क्या चाहते हो, आप बोलो अध्यास की परिभाषा क्या है। वो कहते हैं अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, बोले असत बाह्य नहीं है, बाहर सीप नाम की वस्तु है वो सत है, और बाजार में अथवा आपके घर में चांदी नाम की वस्तु भी है, वो भी सत है। तो रजत भी सर्प सच है और सीप भी सच है, दोनों परस्पर अन्य हैं। सीप अन्य है और चांदी अन्य है। अध्यास में क्या होता है, इस अन्य का अन्य में अवभास हो जाता है ना। बाजार में स्थित चांदी के धर्मों का सम्मुख स्थित सीप में आभास हो गया, इसको हम बोलते हैं अध्यास। तो केवल ज्ञानाध्यास हुआ है जी महाराज, अर्थाध्यास नहीं हुआ। रजत ज्ञान आपके भीतर है, उसका आपने सीप ज्ञान के ऊपर क्या किया, अध्यास किया। आप कोई सीप के ऊपर चांदी थोड़ो चढ़ाते हो, सीप सामने रखिए उसके ऊपर आप बाजार से लाके चांदी थोड़ो मढ़ते हो। अध्यास क्या होता है, सीप ज्ञान के ऊपर रजत ज्ञान का अध्यास हुआ है। तो ये ज्ञानाध्यास हो गया, वस्तु तो सत ही है, दोनों सत हैं, और इसलिए दोनों का बाध नहीं होता है। रजत भी अपनी जगह पर और सीप भी अपनी जगह पर, तो वस्तुओं को काहे को समेटते हो, मूर्खता अपनी और लपेट लिया वस्तुओं को। वेदांतियों के लिए है ये, क्योंकि वेदांती लोग स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास करते हैं तो उसमें तो वस्तु लिपट आती है। फिर अभी हमने क्या बोल दिया, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। वस्तुतः अर्थाध्यास और स्वरूपाध्यास है ना, एक ही वस्तु है, अगर बहुत ज्यादा ना चर्चा करें तो। अर्थ माने अर्थ वस्तु, तो वस्तु का अध्यास नहीं मानते, केवल ज्ञानाध्यास मानते हैं। ज्ञान का एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान में अध्यास हो गया, ये मानते हैं। तो कम से कम तीन अध्यास तो हो ही गया वेदांत के अनुसार, स्वरूपाध्यास, ज्ञानाध्यास और संसर्गाध्यास। इसलिए मैंने पीछे कहा था, आपने शायद लिखा होगा, तो रजत रजत ज्ञान और संसर्ग तीनों मिथ्या हैं। हाँ, तीनों मिथ्या हैं वेदांत में। अब देखो, दो की तो बात हमने पहले ही कर दी, संसर्ग की और स्वरूपाध्यास की। ये ज्ञानाध्यास की बात आई, न्याय दर्शन के प्रकरण में ज्ञानाध्यास की बात आ गई। तो इनके यहां वस्तु सत्य है और उसका बाध नहीं होता, उसका बाध नहीं होता। बाध केवल अन्यत्र में जो अन्य धर्म का अवभास है उसका बाध होता है, बस। इसको क्या बोलेंगे, अन्यथा ख्याति। आत्मख्याति नहीं है बल्कि अन्यथा ख्याति है। ये वैशेषिक और न्याय दोनों की ख्याति यही है। तो तीन दर्शनों की एक परिभाषा, अन्यत्र अन्य धर्मावभासः इति। इस एक परिभाषा में दो ख्यातियां हो गई, एक आत्मख्याति, दूसरा अन्यथा ख्याति हो गया। अब आगे बोलते हैं, केचित्तु यत्र यत् अध्यासः
तद विवेकाग्रह निबंधन भ्रम इति, ये परिभाषा है मीमांसा दर्शन की और सांख्य दर्शन की। ये दोनों लोगों की परिभाषा है और इसमें जो ख्याति है वो अख्याति कहलाती है। अख्याति ये क्या कहते हैं भाई? इनका कहना यह है, क्या परिभाषा दी है, यत्र यत अध्यासः, यत्र माने यत अधिष्ठाने, यस्मिन अधिष्ठाने, जिस अधिष्ठान में भ्रम हुआ आपको, जिस अधिष्ठान में अध्यास हुआ उसको कहा गया यत्र। अच्छा, और यत अध्यास माने अध्यास जो हुआ, जो अध्यस्त है, जिसका अध्यास हुआ। चलो यत्र और यत का अगर आप समास खोलें तो यस्य, यत्र और यस्य, यत्र यत अध्यास तद विवेकाग्रह निबंधना भ्रमः। उसमें क्या कहा इन्होंने कि जिसका अधिष्ठान हो रहा, जिसका अध्यास हो रहा है और जिसमें हो रहा है वो दोनों अपनी जगह पर सच है। बढ़िया भाई, सुक्तिका भी सच है और रजत भी सच है, ये तो ठीक ही हो गया। अब सुक्ति का ज्ञान में जो इदम इदम का ज्ञान है, इदमंश का ज्ञान है, सम्मुख प्रत्यक्ष ज्ञान इदम ज्ञान है, और जो रजत ज्ञान है वो स्मृति ज्ञान है, क्योंकि वो सम्मुख नहीं है, परोक्ष है। रजत कहाँ है? बोले परोक्ष है, दूर है, लेकिन है वो चीज है। तो जो परोक्ष में स्थित रजत है उसका स्मृति ज्ञान है, जो सम्मुख में स्थित सुक्तिका है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है। आंख से देखा इदमंश को और स्मरण किया किसको? रजत को। तो रजत नाम का स्मृति ज्ञान है।